वो चीज बात की बात है एंड मेरे को ऐसे ही रहना नॉर्मली, तो मुझे इसी में व्यू देखना पड़ेगा जी महाराज। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे, ऐसे क्या सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि अगर लोग क्या सोच रहे हैं अगर वो भी हम सोचने लग जाएंगे तो फिर लोग सोचेंगे ही क्या, समझ रहे हो। तो फ्रेंड्स हमको शायद ना ऐसे रहना पड़ेगा, अगर अच्छा व्यू चाहिए तो मुझे हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ऐसे कैसे रहूँ, एक तो मेरा हैंडल बबलिंग कर रहा है, इसमें भी थोड़ा इशू है, लेकिन कोई सीन नहीं, इसको कराएंगे ठीक। बट ये करवाना कैसे ठीक, क्योंकि ये अंदर की प्रॉब्लम है ना, तो इसके लिए मुझे पूरी बॉडी खिलवानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा हूँ। और फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मंथला वाली साइड, मंथला उधर कहीं पे है ठीक है ना, वो वाला मंदिर, काली माता का मंदिर। लेकिन मैंने हमेशा से सोचा है कि मेरे को इस वाले मंदिर पे जाना है, एंड ये छोटा सा पहाड़ है ना, इधर हमको पैदल नहीं जाना पड़ेगा, इधर स्कूटी बाइक कुछ नहीं आता है, मेरे घर से ही रास्ता जाता है। तो उधर भी जाने का प्लान बनाएंगे, कि उधर हम कम से कम 10 साल पहले जाते थे या 5 साल पहले, इतना ज़्यादा याद नहीं है। आपकी वीडियो ना रहा होगा जी, आपकी वीडियो ना रहा हो, ठीक हो? ठीक है, मेरी भी वीडियो बना लिया कर, चलते चलते बना तो रहा हूँ, और क्या करूँ बताओ, खड़े खड़े और कहाँ चले? ना काम कर रहे हो वहाँ पे? नहीं आज सामान दिखवाऊँ तो कल चले, आज पत्रिका अच्छा चलो ठीक है, ठीक है सॉरी। तो फ्रेंड्स शमी भी आ चुके हैं, तो हम निकल रहे हैं, वैसे अभी अभी किसी को हमको और भी उठाना है, चलो समझ गया। मैं तो न्यूट्रल जाऊँगा, मैं तो न्यूट्रल जाऊँगा, न्यूट्रल चलो। और भाई लिफ्ट चाहिए? मैं देता हूँ लिफ्ट, लेकिन यार इस उम्र में पैदल भी चलना जरूरी है। ज़्यादा तेज करूँगा तो यार वही बिल्कुल क्लियर नहीं आएगी। एंड गाइस व्यू बताना कैसा आ रहा है, एंड क्वालिटी भी बताना, टायर में थोड़ी सी बबलिंग है यार, आपके टायर में बबलिंग है, बबलिंग टायर में यार, चेंज कराना पड़ना लग रहा। हाँ मेरे को तो लग रही है, मेरे को तो लग रही है, हाँ थोड़ा सा चलना यार, इधर है भैया वो, और मैं कहाँ जा रहा था, देखो इसको वीडियो को इसलिए सीख रहा था यार। तो गाइस यहाँ पे पहुँच देखो, हेलो हेलो गाइस कैसे हो आप सब, चैनल को सब्सक्राइब करना बोल दो, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में, एंड देखो ये मंदिर ऐसे आपको अंदर से भी दिखाएंगे हम थोड़ा मजा। तो ये आ गई हमारी KTM, हमारी नहीं यार मतलब किसी की है, चलो जो भी है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बोल दे। शिवदेव भी आ चुका है, इसकी बुलेट के टायर में कुछ इशू आ गया है, तो मूड भी थोड़ा खराब हो चुका है। क्या हो गया, क्या हुआ यार? इसके लिए ना वो दूसरी ठीक रहते हैं, ये मतलब मोक तो दिख रहे हैं टूटे हुए, नहीं वो तो दिख भाई। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इनकी बात पे कर लेना, एंड हम जा रहे हैं नीचे, अभी हमने शूज लगाए नीचे ही हम खोलेंगे शायद। भाई भगवान धूप से आता है क्या, क्या भाई इसी बात है ना, भाई कुछ बोलो ना यार, भाई बोलो आप, बोलो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, बोलो भाई, चलो मत बोलो यार, वैसे भी लोगों ने करना नहीं है सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम शूज खोलेंगे, एंड यहाँ पे हमको मंदिर में जाना है, यहाँ से अंदर आके व्यू देखो कैसा व्यू आ रहा है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम मंदिर में अंदर जा रहे हैं, एंड यहाँ पे सबने घंटी बजा दी है, थोड़ा मैंने वीडियो थोड़ा सा बजा दिया, घंटा देखो कितना बड़ा है, एंड इसको भी बजाएंगे हम, सबको बजाएंगे, वाला टूट चुका है। आप सोचो कि मैं वीडियो बनाने आया हूँ, ऐसा नहीं है, मंदिर में एक्चुअली दर्शन करने आए तो वीडियो बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे हम फोन को कर देते हैं बंद। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कोई कुछ बोलेगा, एंड नहीं रहता अच्छा वीडियो बनाना मंदिर के अंदर। एंड देखो ये कितना अच्छा मंदिर है और कितनी सारी मूर्तियाँ हैं,
तो हमने सबसे प्रे भी नहीं किया, सिर्फ हमने उधर मेन सर जो भी मेन मंदिर है वहाँ पे प्रे किया एंड यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हम व्लॉग के लिए भी आए थे, मुझे पता है मंदिर में व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, वैसे उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो हम तो एक बार हम थोड़ा सा प्रे कर लेते हैं एंड फिर आगे चलते हैं। और ये भाई जी, ये भाई जी बोल रहे कितनी वीडियो बनाएंगे, भाई वीडियो नहीं बनाओगे बताओ। दर्शन तो कर ही लिए एंड गाइस व्यू देखो क्या खतरनाक व्यू है। तो फ्रेंड्स जो भी आसपास से वो यहाँ पे जरूर आना दर्शन करने, ऐसे तो आपकी चॉइस है, कोई सीन नहीं है, लेकिन ये देखो कितनी अच्छी जगह है एंड कितना बड़ा ग्राउंड है। वैसे यहाँ पे हम खेल भी सकते हैं बट इधर मंदिर के अंदर अलाउड है कि नहीं पता नहीं। एंड यहाँ पे हम थोड़े से फोटोग्राफ्स ले रहे थे एंड वो भी ले लिए एंड यहाँ पे ये जगह देखो कितनी अच्छी। और फ्रेंड्स ये ऊपर देखो कितना खतरनाक जगह है। तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर के थोड़ा सा आ गया और ये जगह देखो कितनी खतरनाक है, वहाँ पे वो झरना भी है लेकिन हम वहाँ जा नहीं रहे हैं क्योंकि हमने जाके नहाना तो है नहीं। वैसे वीडियो अच्छी बनती लेकिन हम जा नहीं रहे एंड ये शेर भाई वाला ये भी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनको चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना एंड इनके वाले जो भी हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि यार आपको ज़्यादातर तो हमको एक साथ ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कुछ बताओ कि आपको कैसे लगा यहाँ पे दर्शन करके हमारे साथ आने में, कैसा यूट्यूबर उसके साथ बताओ, कुछ तो बताओ, घर तक तो हिलाओ। देखो इनको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप भी हमारे साथ आ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लड़की हो या लड़का सब चलेंगे, कोई सीन नहीं है। बस फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिए एंड घर के लिए निकल रहे हैं अब। तो यहाँ पे हमारी बाइक वगैरह स्कूटी लगी हुई है एंड बूट भी लगा हुआ है, तो निकलते हैं घर के लिए। तो फ्रेंड्स हम भी ये चला रहे हैं, मेरी स्कूटी एंड मैं उनकी चला रहा हूँ KTM। और ये मेरी जिंदगी की तीसरी बार मैं KTM चला रहा हूँ, नहीं चौथी बार, एक बार कॉलेज में भी चलाई थी, तो इनकी मैं दूसरी बार चला रहा हूँ आई थिंक, तो बैठो तीसरी बार चला रहा हूँ, चलो बैठो भाई। राहुल तो फ्रेंड फाइनली हम KTM चला रहे हैं एंड आपको KTM को भी ब्लॉग देखने को मिलने वाला है एंड हमारी जुपिटर आगे चलेगी एंड KTM पीछे। तो फ्रेंड ये रहो मेरी स्कूटी का नंबर, वैसे मैं थोड़ा सा ब्लर भी कर सकता हूँ, वैसे सबकी फाइनल किया तो भाई जी बोल रहे हैं ज़्यादा भगाना नहीं, इनको पता नहीं है भगानी मुझे आती नहीं है, वैसे मैं भगा सकता हूँ लेकिन भगाऊंगा नहीं यार, किसी भी चीज़ है तो कैसे भगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बंदे ने ट्रस्ट करके दिया, अगर उसको ट्रस्ट ही तोड़ते तो क्या फायदा। फ्रेंड जो हमने लेना था वो ले लिया एंड हम जा रहे हैं अब ये चीज़ लिए एंड ये लेने के लिए हम इतने दूर से आए हैं एंड ये इसको हम स्कूटी में डालेंगे, हमारे पास देखो दो दो चाबियाँ एंड हम इसको पहले स्कूटी में डालेंगे। गलत, ये तो सही होता रास्ता। फ्रेंड्स लेकिन चला दी मैंने दूसरे गियर में 34, मन तो कर रहा है खींचने का एंड लोगों का रिएक्शन देख, तो फ्रेंड्स इनकी आवाज़ सुन के खुशी होती है पीछे बैठने में, आगे बैठने में मैं कैसे बताऊँ, लोग तो मुझे देख ही रहे हैं, ऐसे शर्मा भी रहे हैं, पता क्यों जा कर रहे हैं हम ऊपर, किस चीज़ को करनी है वेल्डिंग। थोड़ी सी रेस के बाद ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है इसमें, लेकिन हमको यहाँ पे ढूंढनी है बेल्टिंग वाली दुकान एंड हम बेल्टिंग वाली दुकान तो ढूंढ रहे हैं लेकिन हमको मिल गई है कारपेंटर वाली दुकान। फ्रेंड्स हम बोंगो बोंगो, वैसे हमको फर्क नहीं पड़ता है, कुत्ते तो बोंगते ही रहते हैं, क्या बोलती हूँ मम्मी। कैसे बताऊँ यार, 15 ही मुझे पसंद है। कहाँ पे, यहाँ पे मोर काटूँ, पीछे से देखो गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्या हुआ नाका लगा ना भाई, रॉन्ग साइड वाले पकड़ लेंगे ना, रॉन्ग साइड वाले पकड़ लेते हैं, तो हम क्या करें, इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाएंगे आगे से घूम के, ये इसमें रॉन्ग साइड ही किया, यहाँ से तो जा रहे हैं हम, ये रॉन्ग साइड है ना, ये यहाँ पर अक्सर पकड़ लेते हैं गाड़ियों को जो नहीं भगाने की, मेरे से कुछ है नहीं यार, क्या लगता है मेरे को, तू तो भगा देगा हमको यार, इधर से इधर काम होना था। तो फ्रेंड्स पाइप भी हम पट चुके हैं, तो फ्रेंड्स हम चुके हैं अपने जर्नी का आसान की शुरुआत की गाइड की, हमने ब्लॉग पर मिले थे, प्रॉब्लम ये है कि अब मैं उनका वेट करूँ या घर जाऊँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है एंड मैं 5 मिनट रुकूंगा एंड वो आएंगे और मैं निकल जाऊँगा।
ये पहुंच गए मेरी दुकान पे एंड ये पवन लुक सैलून। तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता होगा और बंदे को देखो कैसे घूर खा रहा है और ये उंगली हिला रहा है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे हो मैं कैसा लगता हूँ हेलमेट लगा के, तो मैं ऐसे ही लगता हूँ। ये मेरा माइक एंड ये मेरा हेलमेट एंड इसी लुक में मिल गया था। तो अभी हम जा रहे हैं घर एंड बस ब्लॉग का एंड यहीं पे होता है। तो जो भी ब्लॉग देख रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।